खबर दिल्ली से। देश भर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4 लाख पार हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में 1,41,000 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 285 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के संक्रमण दर 9.28% है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,72,169 हुई है। देश में वहीं अब तक 3,44,12,740 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 4,83,463 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में वहीं 40,925, बंगाल में 18,213 नए केस मिले हैं, तो दिल्ली में 17,335, तो केरल में 5,296 नए केस मिले हैं, तमिलनाडु में वहीं 8,981, तो झारखंड में 3,825 नए केस मिले हैं, हरियाणा में 3,784, तो पंजाब में 2,901 नए केस मिले हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 2,828 नए केस मिले हैं। देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या से निकलने के लिए हम ही खुद को बचा सकते हैं, मास्क का प्रयोग करके, हाथों को सैनिटाइज करके व कोरोना वैक्सीन के डोज लेकर, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा है।